हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर और सूजी को मिलाकर एक बहुत ही अच्छा सा स्नैक्स। ये बहुत ही चटपटा और स्पाइसी सा स्नैक्स होता है। इसे बना लें तो 4 से 5 दिन तक खराब नहीं होगा और इसे मज़े से खा सकते हैं चाय के साथ या सुबह स्नैक्स में या टिफिन में भी दे सकते हैं। ये समोसा कचौड़ी पैटिस से भी ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक कर दें। एक पैन मैंने लिया है और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो जाए तो 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालें और उसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक। कद्दूकस करके मैं डाल रही हूँ, आप चाहे पिसा हुआ अदरक है उसे डाल लें या बारीक काट कर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। 1 या 2 हरी मिर्ची बारीक काट कर डाल लें। 1 मीडियम साइज का कच्चा आलू कद्दूकस करके डालें। 1/2 कप हरा मटर ददरा सा पीस लें, बारीक ना करें, और इसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और जब आप किसी और सीजन में इसे बना रहे हैं, जब हरे मटर नहीं मिलते हैं, तो बिना इसके भी बना सकते हैं। इसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, ज़रूर से अपने घर पर ट्राई करिएगा। और अब मैंने इसमें डाला है 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। हल्दी पाउडर मैंने इसलिए डाला ताकि कलर काफ़ी अच्छा आता है इसमें। और अब इसे मैंने थोड़ा सा और पका लिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पानी और इसी के हिसाब से इसमें सूजी जाएगा। तो 1/2 कप पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हम उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा हम इसमें मिलाएंगे 1/2 कप सूजी। तो जो सूजी मैंने लिया है बिल्कुल बारीक वाली सूजी होती है उसे लेनी है, नहीं तो जो नॉर्मल सूजी है आप उसे अच्छी तरह से पीस कर बारीक वाली छन्नी से छान कर लें तो ही ये परफेक्ट आपकी रेसिपी तैयार होगी। मोटेली सूजी से रेसिपी बिखर जाती है, अच्छी नहीं बनती है। मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लिया है धीमी आँच करके। जब ये मिल जाए तो इसे ढक दें और मैंने गैस को बंद कर दिया, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा। और 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, सूजी थोड़ी पक जाएगी यानी फूल जाएगी। और अभी ये गर्म ही है इसी में मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स मिला दिया है, दिखने में स्पाइसी लगेगा। और धनिया पत्ती है, मिल रहा है भरपूर मात्रा में, डाल लें। जब धनिया पत्ती ना हो तो आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल लें, टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब ये मिक्सचर हमारा काफ़ी गर्म है और इसी में मैंने निकाल लिया है इस तरह से बोर्ड पे। आप चाहें तो कोई थाली ले सकते हैं या कोई ट्रे, उसमें इसे हमें सेट करना होगा। तो अभी मैंने इसको इकट्ठा कर लिया, डो जैसा बना लिया और हल्का सा इसे हम फैला लेंगे बराबर में। और इसकी मोटाई हम कम से कम 1/2 इंच का रखेंगे, बहुत पतला नहीं करेंगे नहीं तो ये टूट जाएगा। और इस तरह से फैलाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे काट लेंगे। तो मैं इसे ट्रायंगल का शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो इसे चौकोर में राउंड में बना सकते हैं। इस स्नैक्स को आप 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एक तो आप पहले जब काट लेते हैं इसे उठाकर फ्रिज में रख दें और जब खाना हो तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, और दूसरा होता है फ्राई करने के बाद आप इसे स्टोर कर दें। और ये हमारे मटर और सूजी का ट्रायंगल तैयार है। अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लें हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम इन ट्रायंगल्स को डाल देंगे और उसके बाद आप मीडियम से लो फ्लेम पर इसे फ्राई करें ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएगा। और जब ये क्रिस्प होगा तो बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। और जब आप इसे स्टोर भी करेंगे तो भी आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर देंगे, ऐसे ही बना रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ठंड का मौसम है और इस तरह से स्पाइसी स्नैक्स सभी को काफ़ी पसंद भी आता है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को बनाएं। और इसी तरह से मैंने आलू सूजी की पूरी बनाई थी जिसको आपने बहुत बहुत प्यार दिया, जो अभी हमारा 25 मिलियन पे जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस रेसिपी को भी आप वैसा ही प्यार दें और सपोर्ट करें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें ताकि वो भी इस रेसिपी को इंजॉय करें इस विंटर सीजन में। तो ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।